हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड गाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भैया कि आईफोन 13 सीरीज़ के अंदर से कौन सा स्मार्टफोन हमें परचेज करना चाहिए। क्या आईफोन 13 लेना चाहिए, आईफोन 13 प्रो लेना चाहिए या फिर आईफोन 13 प्रो मैक्स लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सेल आने वाली है। एंड आपके सेल के बारे में डिटेल बता दूँ कि 26 सितंबर को सेल है जो ऑन द लाइन हो जाएगी अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों के ऊपर। और हमें जो फ्लिपकार्ट के ऊपर है जो प्राइसिंग है जो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छे ऑफर्स देखने को मिलेंगे उसके, तो फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग करना बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा ऑफर देखने को मिलते हैं। सो गाइस, आईफोन 13 की बात करें या आईफोन 13 प्रो या आईफोन 13 प्रो मैक्स की, तो तीनों ही डिवाइसेस के जो प्राइसिंग है वो ड्रॉप होने वाले हैं इस सेल के अंदर। हमें जो प्राइसिंग है वो काफी कमाल के देखने को मिलेंगे। सो गाइस, प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप स्मार्टफोन खरीदोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज अगर प्राइसिंग से ज्यादा ऊपर नीचे जाओगे तो आपके लिए काम खराब हो जाएगा। सो गाइस, हम सबसे पहले आईफोन 13 प्रो मैक्स की बात कर लेते हैं। यस गाइस, अगर जिन लोगों का बजट 1 लाख रुपए है, सो गाइस आप लोग आईफोन 13 प्रो मैक्स की तरफ देखना, बिकॉज आईफोन 13 प्रो मैक्स का जो 6+128 GB रैम वेरियंट है वो आपको 1 लाख रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। वैसे इस डिवाइस की नॉर्मली प्राइसिंग है जो 1,30,000 रुपए है, बट गाइस इसको सेल के अंदर आपको 1 लाख रुपए के नियर अबाउट 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी 1 लाख रुपए के अंदर हम मान के चलते हैं कि इसका जो प्राइसिंग है वो जो देखने को मिलेगा आपको, ये कन्फर्म है। अब बात करते हैं गाइस आईफोन 13 प्रो की। यस गाइस, आईफोन 13 प्रो की अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे 84,000 के अंदर हमें देखने को मिलेगा, यानी 82-84,000 में भी हो सकता है यहाँ पे आपको 80 भी देखने को मिल जाए। तो आप मान के चलो जिन लोगों का प्राइस रेंज है जो 80-85,000 है वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं आईफोन 13 प्रो। या अगर गाइस आपको डिटेल वीडियो चाहिए आईफोन 13 प्रो प्रो मैक्स या आईफोन 13 के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है तो चैनल के ऊपर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, आपको वीडियो डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। एंड कोई ज़्यादा फर्क नहीं है गाइस यहाँ पे आईफोन, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बहुत बैटरी का फर्क देखने को मिलता है, बाकी यहाँ पे चीज़ें सेम है। सो गाइस, अगर आईफोन 13 प्रो की बात करें तो ये आपको 80-84,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे आईफोन 13 की। यस गाइस, आईफोन 13 जिन लोगों का प्राइस है जो 50,000 है, 50-55,000 है, वो लोग आईफोन 13 की तरफ देखो। यस गाइस, जो लोग 50-55,000 रुपये खर्चना चाहते हैं वो लोग आईफोन 13 की तरफ देख सकते हैं, बिकॉज जो आईफोन का 13 का जो बेस वेरियंट है वो आपको 50-55,000 रुपये के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, ये कन्फर्म प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ सेल की। अगर कुछ गलत लगेगा आपको तो आके चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना मेरे भाई, कोई दिक्कत बात नहीं होगी। और पर अभी फिलहाल आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो गाइस, मैंने आपको तीनों डिवाइसेस की जो प्राइसिंग बता दी एंड मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना है। यस गाइस, आपको सिर्फ अपना प्राइस ध्यान में रखना और उसी के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन को परचेज करना। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पे प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।